दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। आज एक जुड़वा टू हम लोग बनाएंगे। दो मदरबोर्ड मेरे पास आए हुए हैं, अदर स्टेट से, गुजरात से आए हुए हैं, और प्रॉब्लम इसमें ऑन ऑफ होकर के ऑफ होने की बताई गई है। और आयो तो डबल स्टोरी होती है, अंदर भी इसकी पिन होती है, इसको किसी ने छेड़ा है, तो इस बोर्ड की तो थोड़ा सा खास्ता कंडीशन है, तो इसको हटाते हैं। अभी इस बोर्ड पर कुछ ज़्यादा नहीं काम किया गया है, तो सबसे पहले फ्रेश बोर्ड को देखेंगे हम। और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये लगातार कभी ऑन होता है, ऑफ होता है, और एम्पेयर पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको कुछ लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ये देखिए 400 से वो तुरंत 900 चला जाता है, 900 से 300 800, तो ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मैं मेरे पास चूँकि चेक करने के लिए डिस्प्ले केबल नहीं है, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो डिस्प्ले इसमें नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसको डायग्नोस करेंगे वन बाय वन कि ऐसी तो नहीं है कि कोई वोल्टेज, पर्टिकुलर वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, तो एक एक करके हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सीधे पहुँच जाता हूँ पहले कोर पर। तो इसमें जो है पर्दे के पीछे कुछ है, कोर की कॉइल ढूँढ रहा हूँ मैं, यहाँ पर है कुछ। तो ये मेरा एसी पसेट है, अभी इसको मैं सेट कर लेता हूँ पहले नॉर्मल। मुझे चेक करना है कि कहीं इसकी वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं कर रही है, तो इसके लिए नॉर्मल एक टेस्ट पॉइंट से मैंने इसको सब चेक कर रहा हूँ। और रेफरेंस ग्राउंड मुझे लेना होगा। चलिए अब चेक करते हैं, तो ये भी ऑफ हो गया है। फिर से इसको पावर डालते हैं, ऑन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी थोड़ा सा रिपल भी आती है, क्योंकि आजकल के बोर्ड में देखते होंगे कैपेसिटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो नेग्लिजिबल होता है, इतना सा हो सकता है। तो कोर की वोल्टेज हमारी कंटिन्यूस है, तो इससे ये पता चलता है कि PCH कम्युनिकेशन में अब हमें जाके चेक करना होगा कि क्या सारी चीज़ें बन रही है या नहीं बन रही है। डिस्प्ले अभी भी नहीं आ रहा है कीबोर्ड पर भी, और BIOS किसी ने किया हुआ है, ये सबसे गलत बात हो रखी है इसके अंदर, क्योंकि BIOS करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि क्या चेक करना चाहिए, क्या नहीं चेक करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है। बहरहाल, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी BIOS को चेक करेंगे कि BIOS इसकी सही है या नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि दो बोर्ड एक ही जगह से आया है, तो दोनों सेम पार्ट नंबर है, और इसमें भी मुझे दिख रहा है कि BIOS किया हुआ है ये एरिया, यहाँ से देख करके पता चल जाएगा आपको। तो इससे क्या होता है कि इसकी BIOS उठा करके इसमें डाल देने से अभी प्रॉब्लम आपको इस तरह की फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले इसकी हम BIOS फ्लश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन है। ठीक है, मैं इसकी वेबसाइट से BIOS डाउनलोड करूँगा और वहाँ से BIOS निकालूँगा, और उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या कंडीशन है। तो देखने में तो एकदम बोर्ड बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, सिवाय BIOS के और कुछ किया भी नहीं गया इस बोर्ड में, दूसरे वाले बोर्ड में तो IO पर काम किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसकी BIOS डाउनलोड कर करके इसमें अपलोड करते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप BIOS डाउनलोड करना चाह रहे हैं कि वेबसाइट जो है जाकर के वेबसाइट से डाउनलोड करें, तो ये जो आपने पार्ट नंबर देखा LA9431P, इस नाम से तो नहीं मिलेगा आपको BIOS किस नाम से मिलेगा? जो सर्विस टैग नंबर होता है। तो मुझे इसका सर्विस टैग नंबर चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मैं अंदाज से ऐसे निकाल लूँगा, लेकिन वेबसाइट से लूँगा, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे विनाफिक्स, चाइनाफिक्स, इन सब से नहीं लेकर के मैं प्रेफर करूंगा इसको डेल की वेबसाइट से डाउनलोड करने की। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप कि मैंने इसमें BIOS डाउनलोड कर करके डाल दिए। और एक बात की आपको भी ख्याल रखनी है कि हमें जब क्लीन मी रीजन करते हैं, तो क्लीन मी रीजन करने का पर्पज़ पहले समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। एक तो कि हमेशा तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब लेट डिस्प्ले आ रहा हो या फ़ैन स्पिन बहुत तेज़ हो रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में, अब देखिए मेरे पास फ़ैन नहीं आया है, तो इसकी हीटसिंग आई है सिर्फ, तो मैं इसको
इसलिए सारा काम कर देता हूँ इसमें कि ताकि ये दोबारा नहीं आए। और दूसरी बात ये कि 4 MB में मी होगी या 8 MB में होगी, ये आपकी जो मी रीजन होती है वो 4 में भी हो सकती है 8 में भी हो सकती है, समटाइम हमने 4 में भी देखा है, समटाइम 8 MB में भी होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा मी एनालाइजर से कि वो 4 MB में है या 8 MB में। तो अगर 8 MB में है तो आपको इसे क्लीन करना होगा, जिस 4 MB में है तो पहले आपको उसको दोनों को जोड़ करके, ठीक है, हेक्सा एडिटर यूज़ करके दोनों को जोड़ करके फिर क्लीन कर करके फिर उसको फिर पार्टीशन कर करके आपको अलग अलग करना होगा। तो ये मैंने इसमें पावर लगाया है, तो देखिए अब एम्पेयर हाई जा रहा है, रीस्टार्ट होगा, ठीक है। अभी चूँकि इसको ऑन किया है, ऑटो ऑन हुआ है, चूँकि RTC सेल अभी तुरंत लगाई है मैंने, तो फर्स्ट टाइम तो ये ऑटो ऑन हो गई होगा। और 2-3 बार रीस्टार्ट होगा चूँकि बफर रीसेट है ये, तो अगर इसका जो है CMOS सेल अगर पहली बार आपने खोला है तो 2 या 3 बार ये रीस्टार्ट हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जब आप लैपटॉप को पैक कर देंगे तो वो 1 अटेम्प्ट में ही, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले यहाँ पर कीबोर्ड पर आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कुछ खास नहीं थी, लेकिन देखिए गड़बड़ी क्या होती है। अब जैसे जहाँ से भी ये आया मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि ये गुजरात से आया मेरे पास, ये एरिया पेस्ट ही पेस्ट नज़र आ रहा है, तो पहले ही मुझे घबराहट होने लगती है। एक तो 4th जनरेशन तो वैसे भी चौपट है, उसके बाद भी किसी ने अगर हीट मार दिया है तो और घबराहट लगने लगती है कि वो बोर्ड ठीक भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जब तक कुछ पता ना कर पाए कि हाँ क्या है। अभी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि RTC नहीं बन रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने हीट मारा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे 32 KHz अगर मैंने क्रिस्टल चेंज कर लिया, कैपेसिटर चेंज कर लिया, और जो 10 MΩ की रजिस्टर है ये भी चेंज कर लिया, इसको बढ़ा के घटा के भी देख लिया, उसके बाद भी PCH अगर RTC नहीं निकाल रही है, तो उस कंडीशन में हम तो ये समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, RTC की जो रिक्वायरमेंट है ये करंट रिलीज नहीं कर रहा है। तो अब उसको आप हीट मारिए, आप उसको रिवॉल्व कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, जैसे भी है उसको यहाँ पर 32 KHz चाहिए। तो हीट मारने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट पता कर लीजिए क्यों मार रहे हैं आप, ठीक है। अंदाज से नहीं मारना है तो इसलिए थोड़ा सा, एक तो 4/5 के अंदर आपको जैसा कि बताया था कि ये आर्किटेक्चर ही अलग है, जिसके अंदर जिसको FIVR बोलते हैं कि फुल्ली इंटीग्रेटेड रेगुलेटर है इसके अंदर, 6 की 6 रेगुलेटर इसके अंदर डाल दी गई है, साथ में कॉयल भी है इसके। तो इसलिए ऐसे आर्किटेक्चर में आपको हीट से अवॉइड रखना, हीट नहीं मारना है। हीट तब का केस है जब आप कस्टमर को एकदम वापस देने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर लग रहा है आपको कि आप नहीं कर सक रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, टाइम भी नहीं दे रहा है, तो आप हीट मार के चेक करके देख सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। मैं कभी एडवाइस नहीं दूंगा कि हीट मारना चाहिए। हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग रेयरली हीट मारते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया पिछले केस में 3521 का जो केस था, उसमें मैंने अभी जो मैंने पिछला केस 3542 का बनाया था, उसमें मैंने ये बताया कि मैंने हीट मार करके RTC बनाई है। तो वो कितना दिन चलेगा वो तो आपको भी पता चल रहा है कि जब हीट ही मार करके RTC बनी है और डिस्प्ले अगर आ भी जाता है तो उसमें कितना दिन तक वो झेल पाएगा, फिर ड्राई हो जाएगी, हो सकता है फिर RTC बंद हो जाएगी, फिर बोर्ड डेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं और ना ही कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसलिए हीट मार के देना तो वैसे भी जो है जुगाड़ वाला काम ही हुआ, एक तरह से, और वो भी आप भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे, तो मत मारिए हीट। इसके अंदर मैंने कुछ एग्जामिन नहीं किया, आपने देखा कि ना तो मैंने DSO से उठा करके चेक किया कि BIOS की CS बन रही है कि नहीं, क्लॉक बन रही है कि नहीं, डेटा इनपुट डेटा आउटपुट बन रही है कि नहीं, राइट अनेबल और रीसेट पर वोल्टेज है कि नहीं, कुछ नहीं चेक किया। मैंने सिर्फ ये देखा कि किसी ने BIOS किया है तो बस मैं तसल्ली कर रहा हूँ अपनी। और मैंने तसल्ली इस तरह से की कि मैंने इससे पहले ये पता किया कि ये मॉडल कौन सा था, मॉडल से टैग नंबर निकाला, टैग नंबर से ही मैंने जो है डाउनलोड कर करके किया। अदरवाइज आप थर्ड पार्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कुछ टेस्टेड BIOS होती है, बशर्ते कि अगर आपके पास ऑलरेडी है। जैसे अभी मैंने ये टेस्ट कर लिया, अब मैं इसको सेव करके रखूँगा इस नाम से, रिवीजन नंबर के साथ, प्रोसेसर नंबर के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस BIOS को करूँ, यानी जैसे इसमें भी तो मुझे BIOS पहले करना पड़ेगा, लेकिन किसी ने गलती से इसमें इस एरिया पर भी हीट मार रखा, ये गलत काम हुआ है, चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, अंदर भी पिन होता है, लगाना मुश्किल होता है, एकदम इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, मुश्किल होगा लगाना।
बोर्ड थोड़ा सा बेंड भी लग रहा है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ लग रहा है, एक तो ये ड्रॉबैक नज़र आ रहा है मुझे। दूसरा ये कि इसकी भी बायस करी हुई है, तो अब मेरे पास टेस्टेड बायस हो चुकी है, सेम मॉडल है, सेम रिवीजन है। अब मैं ये बायस जो मैंने डाली है, इसकी जो ओरिजिनल वर्जन है मेरे पास, मैं इसमें भी डाल के देखूंगा, क्योंकि किसी ने कर रखा है। अब मुझे नहीं मालूम कि उसने कहाँ से ली है, क्यों करी थी, हो सकता है कि दूसरे को उठा में डाल दिया है, दो बोर्ड थे तो इसका इसमें डाल दिया, इसका इसमें डाल दिया, तो वो खुद एक प्रॉब्लम है। तो बायस आपको बहुत गिरते पड़ते केस में हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर नहीं है प्रॉब्लम तो मत करिए, क्योंकि अगर जो चीज़ ठीक है तो उसको आपको क्यों छेड़ना है। तो दोस्तों की जैसा कि आपने देखा कि इस बोर्ड में हमने कुछ ज़्यादा टेक्निकल काम तो आपको नहीं दिखाया, बस मैंने आपको ये दिखाया कि कभी कभार जो है प्रॉब्लम होती है बायस की, बायस आप करते हैं, प्रॉब्लम रह जाती है, आपको लगने लगता है कि सीपीयू अब ख़त्म हो गए, क्योंकि बायस के पहले भी आपके पास कुछ नहीं है चेक करने के लिए, और बायस के बाद भी कुछ नहीं है चेक करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या मिस हो रहा है। इसका स्कीमेटिक भी है, इसको मैं चेक कर रहा था अभी, आरटीसी ढूंढ रहा था इसका, तो देख सकते हैं आप कि आरटीसी का ढूंढा कि भाई कहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो काफ़ी सारे जैक दिए हुए हैं। कैसे चेक करते हैं बोर्ड को, क्या सीक्वेंस यूज़ करते हैं, अगर ये जानना है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बेहतर होगा कि अगर आप व्हाट्सएप करें, आपसे एक मैसेज डाल दें कि आई नीड टू लर्न लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग, तो आपको जो है जवाब दे दिया जाएगा, पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, फीस से लेकर के और क्या क्या पढ़ाते हैं हम, वो भी बता दी जाएगी। चूँकि इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है कि मैं बार बार बोल भी नहीं पाऊँगा, ना ही मैं फ़ोन में बता पाऊँगा, तो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग भेज देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, जैसे DSO पढ़ना है तो एक पर्टिकुलर DSO का वीडियो ले सकते हैं आप हमसे। अगर आपको चाहिए कि मुझे चार्जिंग IC समझनी है तो चार्जिंग IC समझ लीजिए आप। अगर आपको समझना है कि मुझे मी रीजन CSA मी रीजन कैसे क्लीन करते हैं, किस तरह से BIOS को एडिट करते हैं हेक्सा एडिटर से, अगर इन सब चीज़ों का जानकारी चाहिए तो उसके अलग से वीडियो ले सकते हैं आप। और इंशाल्लाह लेटेस्ट अपडेट क्लब होने वाला है तो उसके बाद उसकी वीडियो भी आप ले सकते हैं हम लोगों से, लेकिन अपडेट आप तब लीजिए जब आपका बेसिक क्लियर है। क्योंकि अपडेट क्लास में मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताने वाला हूँ कि IOT का क्या कैलकुलेशन है, या ILIM की क्या कैलकुलेशन है, या ट्रिप की पिन हो गई, या टोन की पिन हो गई 3-5 की, वहाँ मैं वो नहीं क्लियर कराऊँगा, क्योंकि अपडेट अपडेट होता है, वहाँ हमने पिछले क्लासों में पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए हम लोग वो नहीं पढ़ाएंगे। अपडेट में हम क्या बताएंगे, जो चार्जिंग IC के अंदर नई पिन्स आई है, 3-5 के अंदर नई पिन्स आई है, PCH में जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आर्किटेक्चर वाइज क्या चेंज हुआ है, वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिखाने का मकसद ये था ये वीडियो कि बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, देखा आपने कि सिंपली एक बायस किया और बोर्ड ठीक हो गया। हालांकि कस्टमर के पास जो हमारे डीलर के पास से जो आया ये बोर्ड, कस्टमर ने भी जब दिया होगा तो शायद वो नो डिस्प्ले होगा, उसने भी बायस किया इधर उधर, वो भी नो डिस्प्ले ही था, तो ऐसे में वो हीट मार करके ख़राब होने का चांस हो जाता है। आपने 2-3 जगह से बायस निकाली, दो सारी खराब की खराब निकली, तो कैसे एग्जामिन करते हैं कि हाँ बायस सही है, तो ये जानकारी आपको हमारे वीडियो कोर्स में ही पता चलेगी। तो इसी तरह से आप लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इससे आप अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।